हमीरपुर के ग्लोड पुलिस चौकी के तहत तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा चलान के लिए पिक एंड चूज किए जाने पर जनता में गहरा रोष है। गत कुछ दिनों से पुलिस की दोहरी कार्यप्रणाली के चलते स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गत दिवस भी ग्लोड के पास पुलिस के द्वारा लगाए गए नाका में जान पहचान वाले वाहन चालकों पर नरमी दिखाई गई तो बाकी वाहनों के चलान किए गए। पुलिस के दोहरे मापदंड अपनाए जाने पर बीडीसी राजकुमार ने कड़ा रोष जताया है। राजकुमार ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि गाड़ी में बिना सीट बेल्ट लगाकर जा रहे थे तो मेरा चलान कर दिया गया, लेकिन उसी समय एक अन्य गाड़ी गुजरी लेकिन पुलिस के कर्मियों ने जान पहचान वाले होने के चलते उसका चलान नहीं किया, जो कि सरासर गलत है। चलान कर रहे थे, मैं भी गलत था, बेल्ट नहीं लगाई थी, मेरा भी चलान हुआ, लेकिन मेरे सामने इन्होंने जो इनके जान पहचान के परिचित थे उनको छोड़ा, उनका चलान नहीं किया, जबकि वो विदाउट बेल्ट थे और मोबाइल सुन रहे थे। उसका गाड़ी नंबर बता दीजिए। HB 26 किन्नौर के नंबर है। हमारे क्या से जान पहचान यहाँ है, यहाँ लोकल बंदा सर, लोकल आदमी है, यहाँ के लोकल आदमी है, मैं जानता हूँ उनको पर्सनली, ग्लोड के ही है, वो दूर। मतलब आपका आरोप है कि पुलिस जो है इनका आरोप ये है भेदभाव क्यों हुआ, भेदभाव भेदभाव चलान में भी, चलान में भी भेदभाव किया जा रहा है। नहीं तो भी कर देना। वहीं एक अन्य वाहन चालक ने बताया कि पुलिस चौकी के पास रहने वाले लोगों के चलान नहीं किए गए और बाकी लोगों के चलान किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने भेदभाव करते हुए चलान किए हैं। एक्चुअली मेरे ऑटो के आगे एक कार खड़ी थी, मारुति 800 HP 55A 5 नंबर, वो भी सर उन्होंने विदाउट चलान छोड़ दी गाड़ी है। पुलिस चौकी के साथ और वो भी काम है। हाँ उनका वही है और वो भी उनके साथ के ही हैं, क्योंकि वो बंदा मैक्सिमम पुलिस चौकी के पास ही रहता जाता है इस चक्कर में। वहीं एच टुडे के ग्लोड संवाददाता अशोक शर्मा ने पुलिस कर्मियों का वर्जन लेना चाहा तो उनके साथ पुलिस कर्मियों का व्यवहार सभ्य नहीं रहा और पुलिस कर्मी इन आरोपों पर सफाई देते नजर आए। उधर अगर चलान करने वाले पुलिस कर्मी की माने तो इस बात को सिरे से निकाल रहे हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। हालांकि आरोप लगाने वाले लोगों ने उस समय गुजरी गाड़ियों के नंबर तक बता दिए, लेकिन पुलिस कर्मी अपनी बात पर ही अडिग रहे। गौरतलब है कि इस तरह पुलिस चौकी ग्लोड में तैनात कर्मचारियों के द्वारा चलान में किए जा रहे भेदभाव से जनता में रोष पनपा हुआ है। ग्लोड के लोगों ने जिला प्रशासन और पुलिस अधीक्षक से मांग करते हुए कहा कि इस तरह चलान के लिए भेदभाव कर रहे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।